हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम के इस खास वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक ही आइटम के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक ही आइटम के लिए तीन यूनिट्स बना सकते हैं, दो नहीं बल्कि तीन यूनिट्स बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, क्रिएट कंपनी पर चलेंगे, कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पे जाके आपको एंटर भर प्रेस करना है। ये कंपनी क्रिएशन वाली विंडो ओपन होती है और यहाँ पर आकर के, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम देना है उस कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम दे देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर कंपनी का नाम दे देते हैं मल्टी यूनिट। ये कंपनी का नाम हमने दे दिया। ठीक है, मल्टी यूनिट कंपनी कर देते हैं कंपनी। तो ये हो गया मल्टी यूनिट कंपनी, एंटर किया। यहां पर आएंगे तो यहां पे न्यू कॉलोनी देवरिया करेंगे। ठीक है, और ये हो गया, एंटर करेंगे और यहां से यू प्रेस करेंगे तो यहां पे उत्तर प्रदेश आएगा, एंटर करेंगे और यहां पे पिन कोड डाल देंगे तो 274001 करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे इसको, तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहां पर हमें मल्टीपल यूनिट बनानी है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और कंट्रोल ए कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप क्रिएट पे जाएंगे तो ये क्रिएट पे गए, पहले हम आएंगे यूनिट क्रिएशन पर, तो ये आ गए यूनिट क्रिएशन पर। अब यहां पर सिंपल दिख रहा है तो एक यूनिट हम बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं केजी। अब यहां पे सिंपल ही है ये, और इसका नाम रखते हैं किलोग्राम, ये रख लिया किलोग्राम और एंटर करेंगे। यहां पे यूक्यूसी कोड आएगा तो केजीएस, यहां पे यूक्यूसी कोड हो जाएगा तो केजी जो है हमारी पहली यूनिट है। और इसमें आपको क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस जीरो रखना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने रख दिया है डेसिमल प्लेसेस जीरो, अब एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब दूसरी यूनिट बनानी है तो केजी के बाद अब हम बनाते हैं क्विंटल, तो यहां पे क्यूटीवाई कर देते हैं क्विंटल के लिए और यहां पे फॉर्मल नेम में क्विंटल लिख देते हैं तो ये हो गया क्विंटल। ठीक है, और एंटर करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे तो क्विंटल देखिए आ जाएगा ये, और एंटर करेंगे और यहां पर रख देंगे दो। देखिए पहले में जीरो रखा, अब यहां पर दो रख रहा हूं, एंटर करेंगे। ये हो गया, अब यहां पे एक और बना लेते हैं टन, TON, तो ये हो गया टन। ठीक है, एंटर करेंगे और टन का यहां पे TON E चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं इसको, नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे टी प्रेस करते हैं तो यहां देखिए अलग अलग टी वाले यूनिट्स आपको शो हो जाएंगे, तो फिलहाल हमें टन्स करना है और यहां पे 3 रख देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो इतना कर लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही करिएगा, और इतना कर लेने के बाद क्या करते हैं, यहां से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आकर के अब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम पे जैसे ही आते हैं तो यहां पर ये इस तरीके की विंडो ओपन होती है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको F12 जो है शॉर्टकट की प्रेस करनी है। ठीक है, और यहां पर आपको मिल जाएगा यूज अल्टरनेट यूनिट्स, कभी कभी ये नजर ना आए तो यहां पर नो लिखा हुआ है, इसको डबल क्लिक करिएगा और एक कॉन्फिगरेशन को भी यस कर लीजिएगा तो यहां पर अल्टरनेट यूनिट्स नजर आएगा। देखिए यहां पर ये दिख रहा है, इसको आपको यस कर देना है, यहां पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये यस हो जाएगा। अब कंट्रोल ए कर दीजिएगा तो यहां पर अल्टरनेट जो यूनिट है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। वो ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद एक बार और हम यूनिट पे आ जाते हैं और यहां पे कंपाउंड यूनिट बना लेते हैं तो ये कंपाउंड यूनिट पे आए। और यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट हमने टन बनाई थी तो यहाँ पे टन को सेलेक्ट करते हैं, 10 क्विंटल में 1 टन होता है, ये हमने दे दिया और जो है यहाँ पे क्विंटल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हमने कंपाउंड यूनिट भी बना ली है। बाहर आ जाते हैं और बी बटन प्रेस करके बाउचर में जा सकते हैं या स्टॉक आइटम बना लेते हैं हम पहले, तो यहाँ पे आते हैं स्टॉक आइटम बनाने के लिए। तो यहाँ पे आए स्टॉक आइटम पे जाके एंटर किया, अब यहाँ पे कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया पल्स, ठीक है, तो एंटर किया। अब यहां पर आकर के जैसे ही आते हैं तो यहां पर देखिए आपको नीचे जो है कंपाउंड यूनिट जो हमने बनाया था टन ऑफ 10 क्विंटल्स, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं यहां पे कर लेंगे और एंटर जैसे ही करेंगे तो यहां पर जो है टन ऑफ 10 क्विंटल्स आएगा। दूसरी वाली यूनिट हमको यहां पर देनी है, ठीक है, यानी एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं तो 100 केजी होते हैं, ये हमने दे दिया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट भी करा लिया तो ये हमारा एक स्टॉक आइटम बन गया पल्स। अब इसकी एंट्री जब हम करेंगे तो वी बटन प्रेस करके जाएंगे परचेज में, पहले परचेज में एंट्री करेंगे हम, तो यहाँ पे आए जो इनवॉइस नंबर है वो डाला, एंटर किया। यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम कैश में ही कर देना है ये, तो कैश करके एंटर करेंगे और यहाँ पर रेगुलर डीलर यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा
एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है परचेज का लेजर, तो ये परचेज का लेजर बना लेते हैं। तो ये हो गया PURCHASE परचेज अकाउंट कर देंगे, ये हो गया, एंटर करेंगे और यहाँ पी प्रेस करेंगे तो ये परचेज अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पे पी प्रेस करते ही पल्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कहानी अलग है। लेकिन मान लीजिए कि हमें टन में परचेज करना है या क्विंटल में परचेज करना है, तो अगर दो क्विंटल की बात है तो यहाँ 2QTY लिख दीजिए, क्विंटल के लिए QTY ही बनाया था। तो देखिए यहाँ पर QTY जैसे ही हमने किया QTY, तो यहाँ पर देखिए कितना टन आ रहा है, टन आ रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है। और देखिए अगर दो क्विंटल है तो यहाँ पे जैसे ही मैं दो क्विंटल लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए तीन क्विंटल लेना है तो यहाँ 3QTY लिखा, QTY ही बनाया था हमने, तो देखिए 300 किलो अपने आप आ जाएगा, ये देगा किलो में ही, ठीक है। और एक किलो का दाम कितना पड़ा, तो जैसे मान लीजिए एक किलो का दाम रहा 18 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये टोटल अमाउंट आ गया है, ठीक है। बाकी नीचे GST वगैरह जो भी आपको अप्लाई करना हो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों यूनिट जो है आप यूज में लेके आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि टन में करना हो तो टन में करेंगे तो यहाँ फिर पल्स टाइप करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं मैं 5 टन, TONNE, ये टन जैसे ही लिखेंगे ना तो यहाँ पर केजी में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टन में नीचे बताएगा कि कितना टन है, तो 5.0000 लिखा हुआ है तो ये टन में भी बता रहा है। और यही चीज जो है 17 रुपए किलो के हिसाब से टन में परचेज हुई। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों यूनिट बनते हुए नजर आते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। अब आप इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, नरेशन भी डाल दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड PURCHASED, ये हो गया, एंटर किया और एंटर कर दिया। तो जैसे ही एंटर एंटर कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और यहां से बाहर आ जाएंगे हम, दो बार टी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अल्ट पी करेंगे और एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस कर लेंगे, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, बिल भी आपको यहां पर नजर आता हुआ दिखेगा कि ये बिल है आपका, ठीक है। अब जबकि सेल्स में एंट्री करेंगे तो भी यही बात है, कैसे है देखिए, यहां से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर वी बटन प्रेस करना है और क्या करना है, F8 प्रेस कर लेना है। जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो यहां पर सेल्स वाउचर नजर आएगा आपको, सेल्स वाउचर में कौन सी पार्टी का नाम आता है, तो डेटर पार्टी, इस बार हम डेटर पार्टी का नाम लगा लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर राजू कर लेते हैं, ये डेटर पार्टी हमारी, इसका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर, तो यहाँ से सन्ड्री डेटर का ग्रुप चूज करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। जब एक्सेप्ट करवा लेंगे तो फिर इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवाएंगे और यहाँ पर आपका GSTIN आएगा, ठीक है। और GSTIN आने के बाद एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट A/C, एंटर करेंगे और यहाँ पे S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। और सेल्स अकाउंट आने के बाद एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करवा लेना है आपको, ठीक है। और अब हम पल्स ले लेते हैं फिर से, तो ये पल्स ले लिया, इस बार हम क्या करते हैं, इस बार क्विंटल में करते हैं, तो 5 यहाँ पे QTY बनाया था क्विंटल के लिए तो ये ले लिया। तो देखिए यहाँ पर टन में भी ये बता रहा है कि टन में ये कितना होगा, और अब प्राइस तो लिखेंगे किलो के हिसाब से और ये किलो में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस बार बात करते हैं 2300 रुपए किलो के हिसाब से सेल करेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसी पल्स को हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इस बार हम टन में करते हैं तो यहाँ पर पल्स करते हैं फिर से, तो ये पल्स हो गया और फिर यहाँ पर 5 टन या फिर हम 1 टन कर देते हैं, 1TONNE यूनिट टाइप करना होगा आपको, और यहाँ पर किलो यहाँ पर कर देते हैं 22 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ आता हुआ नजर आएगा आपको, देख सकते हैं। अब एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करवा लीजिए, यहाँ पे द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये दे दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया। बस आपको यही काम करना है, ऐसे ही करना है, अगर आप यूनिट 3-3 यूनिट एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो, ठीक है।